Good morning children. Now in previous video I have already explained your lesson number 15 time but activity number 1. Okay. Now today you have given in activity number 2 your question use am or pm to write the time. Now आपको क्या करना है, टाइम राइट करना है अकॉर्डिंग टू योर ईच केस. आपके हर केस के अकॉर्डिंग आपको टाइम राइट करना है विद ए एम और पी एम के साथ में. ओके, नाउ ए डॉट एम डॉट मीन्स ए एम. ए एम स्टैंड्स फॉर एंटी मेरिडियम. ओके, एंड पी एम मीन्स पोस्ट मेरिडियम. ओके, नाउ पी स्मॉल पी डॉट एम डॉट पी एम मीन्स पोस्ट मेरिडियम. नाउ इन फर्स्ट नंबर यू हैव ऑलरेडी गिवेन 8 o'clock एट नाइट. ये आपको दिया गया है 8 o'clock एट नाइट. दैट मीन्स आपको दिया गया है क्या, यहाँ पे दिया गया है 8 p.m. नाउ लुक हियर, 8 p.m. दिया गया है ना, 8 p.m. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 8 p.m. यहाँ पे 8 o'clock मीन्स 8 राइट है. एंड एट नाइट, नाइट यानी कि रात का क्या मतलब होता है, पीएम होता है. ठीक है, तो पीएम राइट करके वो आपको दे दिया गया है. नाउ इन सेकेंड नंबर यू हैव गिवन, आई हैव सेलेक्टेड सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर क्वेश्चन. आपके कुछ इस क्वेश्चन में से मैंने कुछ ही क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है. ओके, नाउ इन सेकेंड नंबर यू हैव गिवन 4 o'clock इन द मॉर्निंग. 4 o'clock मीन्स व्हाट, 4 यानी कि 4 बज रहे हैं ना. बट फॉर इन द मॉर्निंग, अगर दिन सुबह का बिल्कुल सुबह सुबह आपका 4 बजता है तो उसके साथ हम लोग क्या बोलते हैं, ए एम बोलते हैं, 4 a.m. ओके, नाउ दिस इज योर करेक्ट टाइम. यही आपका करेक्ट टाइम है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन. नाउ इन थर्ड नंबर यू हैव गिवेन 3:15 इन द आफ्टरनून. तो ये आप खुद करेंगे. क्वार्टर पास्ट मीन्स, क्वार्टर मीन्स क्या होता है, 15 मिनट्स. एंड पास्ट मीन्स क्वार्टर पास्ट 3 मीन्स 3:15. ओके, आप खुद इसको राइट करेंगे. इन द आफ्टरनून मीन्स पीएम आपको लगाना होगा, क्योंकि 12 o'clock के बाद जो होता है, जो भी स्टार्ट होता है आफ्टरनून में, मतलब दोपहर के 12 बजे के बाद से पीएम स्टार्ट हो जाता है. एंड फ्रॉम नाइट 12 o'clock टू नून 12 o'clock, रात के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक बीच का जो टाइमिंग होता है वो एएम में होता है. एंड आफ्टरनून आपका नून यानी कि 12 o'clock के बाद में, जो दोपहर के 12 बजे के बाद से पीएम स्टार्ट हो जाता है रात के 12 बजे तक. ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप वो थर्ड नंबर खुद करेंगे. नाउ इन फोर्थ नंबर यू हैव गिवन 3 hours बिफोर नून. नून मींस क्या होता है, नून मींस होता है 12. ठीक है, नून मींस 12 यानी कि दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो दोपहर के 12 बजे से बिफोर यानी कि पहले 3, तो 3 hours इसमें से माइनस करा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा ना, 9, 10, 11, 12. यानी कि आपने जब 12 में से 3 माइनस किया तो आपको क्या मिल गया, 9. यानी कि 9 o'clock हो रहा है मॉर्निंग का, क्योंकि नून के पहले क्या होता है, मॉर्निंग होता है ना. दैट मीन्स राइट 9 a.m. लाइक दिस. इज इट क्लियर. नाउ इन फिफ्थ नंबर यू हैव गिवन 7:30. हाफ पास्ट, हाफ मीन्स 30 मिनट्स, पास्ट मीन्स आफ्टर 7. 7 के बाद 30 मिनट्स और क्या हो गए, 7:30 a.m. बिकॉज यू हैव गिवन इन द मॉर्निंग. सुबह के 7:30 बजे की टाइमिंग क्या होती है, इन द मॉर्निंग में 7:30 a.m. ओके, नाउ इन सिक्स नंबर यू हैव गिवन 6 hours आफ्टरनून. दोपहर के बाद 6 घंटा और, तो दोपहर का मतलब 12 बजे के बाद 6 घंटा और. दैट मीन्स आफ्टर के लिए आपको बिफोर के लिए माइनस करना होगा, आफ्टर के लिए क्या करना होगा, प्लस करना होगा. ओके, तो 12 + 6 क्या हो जाएगा, 12 + 6 = 18 होता है, बट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉक, आपके क्लॉक के अकॉर्डिंग उसको आप 6 ही राइट करते हैं, क्योंकि 12 के बाद क्या आ जाता है, 1, 2, 3, 4 ऐसे आप करते हैं ना. तो दोपहर में अगर 12 बजे के बाद 6 और बज रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे 6 ही राइट करेंगे, बट पीएम राइट कर देंगे, क्योंकि वो शाम का 6 बज गया, नून के बाद आपका पीएम स्टार्ट हो जाता है. ओके, नाउ 6 p.m. इज योर आंसर. एंड रेस्ट पार्ट ऑफ योर एक्टिविटी नंबर 2 यू सॉल्व बाय योर सेल्फ. ओके, नाउ इन एक्टिविटी नंबर 3
Now open your page number 169, okay? And in page number 169, you have given your activity 3. And in activity 3, firstly you write date, today's date, then CW, then start your work. In question number 1, you have given write the time, okay? Now you have given different types of clocks. Alag alag clocks hain with different time, alag alag time ke saath mein, okay? Now you read your time and write in two ways. आपको क्या करना है, टाइम को पहले रीड करना है, फिर उसको दो तरीके से राइट करना है. नाउ इन ए पार्ट यू हैव गिवन 8, योर आवर हैंड इज बिटवीन 8 एंड 9, आवर हैंड 8 और 9 के बीच में है, एंड मिनट हैंड इज एट एग्जैक्टली 4 पे है, तो 4 5 20 मिनट्स हो रहे हैं, यानी कि अभी पूरा 9 पे नहीं पहुंचा, दैट मींस 8:20, तो वो आपको दे दिया गया 20 minutes past 8. ओके, आप इसको दूसरे तरीके से इस तरीके से राइट करेंगे. नाउ इन बी पार्ट यू हैव गिवन योर आवर हैंड इज एट नियर अबाउट 2, आपका नियर अबाउट ये 2 पे है, एंड मिनट हैंड इज एट एग्जैक्टली 10 पे है, दैट मीन्स 10 5 50 मिनट्स हो गए ना, अभी पूरा 2 नहीं बजा है, पूरा 2 नहीं बजा है, इसलिए क्या राइट करेंगे, 150. ओके, एंड इन सेकेंड फॉर्म वी राइट 10 minutes to 2, यानी कि 2 बजने में 10 मिनट बाकी हैं. 50 मिनट्स मीन्स आफ्टर 50 यू ऐड 10 मिनट्स देन यू गेट 60. अगर आप 10 मिनट ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे राइट करेंगे 10 minutes to 2. ओके, नाउ इन सी पार्ट यू हैव गिवन योर आवर हैंड इज नियर अबाउट बिटवीन 6 and 7, 7 और 6 के बीच में है, ओके, लग 6 से थोड़ा सा आगे है, एंड मिनट हैंड आपका किस पे है, 3 पे है, दैट मीन्स 3 5 15 मिनट्स, तो अभी ये 7 पे नहीं पहुंचा, इसलिए 6 आवर्स ही बोलेंगे एंड 15 मिनट्स. ओके, नाउ राइट राइट लाइक दिस 6:15, एंड इन सेकेंड फॉर्म यू राइट 6:15. ओके, 15 मिनट्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्वार्टर, और 15 मिनट्स जब है एग्जैक्टली तो पास्ट का यूज़ करते हैं, 6:15. ओके, नाउ इन डी पार्ट यू हैव गिवन 3:45 टाइमिंग हो रही है ना, क्योंकि ये 45 पे पहुंच गया, एग्जैक्टली 12 पे नहीं है, इसलिए 4 से थोड़ा सा पीछे है, ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे है, दैट मीन्स 3:45 हो रहा है, वो राइट करेंगे, और 15 मिनट्स बाकी हैं 4 o'clock होने में, दैट मीन्स आप क्या राइट करेंगे, 2:15 का यूज़ करेंगे, 45 मिनट्स मीन्स 2:15, 4, यानी कि 4 बजने में 15 मिनट बाकी हैं. ओके, नाउ ई पार्ट यू हैव गिवन 8, योर आवर हैंड इज एट 8 एंड मिनट हैंड इज एट एग्जैक्टली 5, ठीक है, ये एकदम 5 मिनट्स पे है, दैट मीन्स 1 पे है, दैट मीन्स 5 मिनट्स. ओके, तो क्या हो गया ये 8:05 हो गया, दैट मीन्स 8 hours 5 minutes. एंड हाउ टू राइट इन सेकेंड फॉर्म, किस तरीके से हम लोग दूसरे फॉर्म में राइट करेंगे, 5 minutes past 8, यानी कि 8:05, ठीक है, तो 5 minutes past 8. ओके, नाउ इन एफ पार्ट यू हैव गिवन 2, योर आवर हैंड बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ही अभी रहेगा, और आवर मिनट हैंड आपका किस पे है, एग्जैक्टली 6 पे है, दैट मीन्स 6 5 30, तो यहाँ पे 30 मिनट्स हो गया, 2:30 को हम लोग क्या राइट करेंगे, 2:30. ओके, नाउ यू सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 1 विद द हेल्प ऑफ वीडियो. एंड इन क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव गिवन ड्रॉ द हैंड्स टू इंडिकेट द टाइम एंड ऑल्सो राइट द टाइम इन क्लाउड्स. आपको ऐसे क्लाउड्स दिए गए हैं, इनमें आपको टाइमिंग राइट करनी है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है. नाउ इन ए पार्ट यू हैव गिवन योर आवर हैंड बिटवीन 9 and 10, 9 और 10 के बीच में है, दैट मीन्स उसको 9 ही बोलेंगे, जब तक किसी नंबर पे एग्जैक्टली पहुंच नहीं जाता तब तक वो उसके पहले का ही नंबर राइट करते हैं, जैसे 9 और 10 के बीच में है, अभी 10 पे नहीं पहुंचा, इसलिए 9 ही राइट करेंगे, और मिनट हैंड किस पे है, 8 5 40, 40 मिनट्स है, ठीक है, तो 9:40 राइट कर दिए. इसी तरीके से यहाँ पे 9:15 है, 9:15 को हम लोग क्या राइट करते हैं, 8:45 राइट करते हैं ना, यानी कि 9 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो एग्जैक्टली अभी 9 पे आवर हैंड को नहीं पहुँचाएंगे, उससे थोड़ा सा पीछे रखेंगे, और मिनट हैंड को एग्जैक्टली 9 पे रखेंगे, लाइक दिस. ओके, नाउ ड्रॉ योर हैंड्स विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल. पेंसिल और स्केल की हेल्प से आपको ड्रॉ करना है, and write your answer with the help of pencil. Okay, now in C part you have given
टेन मिनट्स टू फोर, यानी कि चार फोर ओ क्लॉक होने में 10 मिनट्स बाकी हैं, तो एग्जैक्टली फोर पे नहीं रखेंगे आवर हैंड को, थोड़ा सा फोर से पहले रखेंगे, और मिनट हैंड को एग्जैक्टली 10 पे रखेंगे, क्योंकि 10 5 50, यानी कि चार बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो उसको सेकेंड फॉर्म क्या होगा, 3:50 होगा. ओके, नाउ रेस्ट पार्ट यू सॉल्व बाई योर सेल्फ, आपको ये खुद करना है. In question number 3, you have given fill in the blanks. A part you have given there are dash minutes in an hour. 1 hour में कितने minutes होते हैं? मैंने पहले भी बताया था 60 minutes. Okay, so fill here 60. And B part you have given 5:25 can also be read as. हम लोग 5:25 को और भी क्या read कर सकते हैं? 25 minutes past 5, यानी कि 5:25 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 25 minutes past 5. ओके, नाउ इन सी पार्ट यू हैव गिवन द मिनट हैंड टेक्स डैश मिनट्स टू मूव फ्रॉम 3 to 5. जब आपका ये मिनट हैंड 3 से 5 पे पहुंचेगा तो कितने मिनट्स लेगा, यहाँ पे 3 to 4 में 5 मिनट और 4 to 5 में 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट + 5 मिनट मिलके कितना मिनट लेगा, 10 मिनट्स लेगा. सो फिल हियर 10 मिनट्स. ओके, 10. नाउ इन डी पार्ट यू हैव गिवन 15 मिनट्स to 5 कैन ऑल्सो बी रिटन एज. 15 मिनट्स to 5 यानी कि 5:15 बाकी है, उसको हम लोग क्या राइट करेंगे, 1/4 to राइट करते हैं. ठीक है, 15 मिनट्स to के लिए क्या राइट करेंगे, 1/4 to 5. ओके, नाउ स्टूडेंट सॉल्व योर एक्टिविटी नंबर 2 एंड एक्टिविटी नंबर 3 विद द हेल्प ऑफ वीडियो एंड PDF, एंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. फर्स्टली यू राइट डेट क्लास वर्क, देन स्टार्ट योर वर्क. ओके, टिल देन थैंक यू.